हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनादर वीडियो सेशन योर फिजिक्स फैकल्टी शुभाशीष दास। तो इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार यानी 2021 में जिनका 12 बोर्ड एग्ज़ाम देना था। ठीक है, जैसे कि सिचुएशन हुआ आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एक प्रोसेस डिसाइड किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपका 12th का बोर्ड का रिजल्ट बनाया जाएगा। उसी तरह से आपको एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस। लेकिन आखिर में हुआ क्या, आपने साल भर पढ़ा या इस बार तो खैर साल भर से ज़्यादा का समय आपने लिया, वेट करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं रहा और इसीलिए आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब सवाल ये है कि सिर्फ बोर्ड का ही नहीं, आप जो अपीयरिंग के साथ जेई मेन या नीट के लिए जो सोच रहे हैं या आपने जो तैयारी कर रखा है अभी तक, जो जेई मेन का जो सेकेंड फेज़, फर्स्ट फेज़ जो पहले हो गया उसका छोड़ दीजिए, अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है जेई मेन का या नीट का, ये चूंकि सिचुएशन वाइज बोर्ड एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ, ये एग्ज़ाम्स भी काफ़ी एक्सटेंड होते हुए जा रहा है, अब आप करेंगे क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों का इस तरह का फ़ोन आ रहा है कि सर क्या करो, क्या अभी आने वाले एक दो महीने में अगर जेई मेन का एग्ज़ाम होता है तो उसको अपेयर करूँ या सीधे 2022 यानी कि 2022 के लिए सोचूँ। तो सवाल ये है कि अगर हम लोग ये सिचुएशन वाइज मान के चले कि ये सेशन तो लेट हो गया, अगर 2022 का बात है वहाँ जाके सेशन अपडेट होगा, वहाँ एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट होगा, नोबडी नोज, किसी के लिए कह पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम लोग ये पॉजिटिव नोट पे ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि इस बार नहीं हुआ, 2022 में जाके सेशन फिर से ऑन टाइम हो जाएगा। अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है रिलेटिंग टू कोविड, ये कंट्रोल्ड हो जाएगा पूरे देश में एज़ पर टारगेट, कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा कर लेने का जो प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है तब भी हमारा जो 22 का जो एकेडमिक सेशन जब ख़त्म होता है, जब हमारा जेई या नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो नॉर्मल टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसका रेगुलर टाइम टेबल जो होता है, उस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ ऑन टाइम एग्ज़ाम हो जाए, या अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन वाइज एक्सटेंड होगा तो बहुत ज़्यादा शायद नहीं होगा। अब सवाल है कि इस साल का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं, अभी और समय लगेगा, तो क्या आप कंफर्म हैं कि आपका इस साल का प्रिपरेशन उतना सही है कि आप 21 में ही अपना जब भी एग्ज़ाम हो, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, आप आराम से एग्ज़ाम अपेयर करोगे और आपका अच्छा प्रिपरेशन है, आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है आप रैंक निकाल पाओगे। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी कि आप खुद से ही खुद पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये सारा बात जो है ना, भरोसा या अपने आप पे भरोसा या कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका तैयारी क्या है, ये आप सबसे बढ़िया जानते हैं। आपका तैयारी बहुत बढ़िया है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू बी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव नोट पे रहो, ये कन्फ्यूजन्स पे मत जाओ कि कितना समय लगेगा, होगा नहीं होगा, आप अपना तैयारी अगर आपका अच्छा है और भी थोड़ा टाइम है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज करो और 21 में ही क्रैक करो, रैंक निकालो अपना। लेकिन अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इधर का प्रोग्राम, आप ये सोच रहे हो अगर नहीं हुआ तो फिर 22 के लिए स्टार्ट करेंगे, मान लो ड्यूरिंग 12 आपने बहुत अच्छा से जेई ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं किया, यानी कि आप बोर्ड का पढ़ते रह गए, ऐसे ही तो 21 जो पूरा एक साल है क्लास 12 आपका वो पूरी तरह से ऑनलाइन में गया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे या उनको ऑनलाइन को उतना बढ़िया सपोर्ट शुरू में नहीं मिला, ठीक है ना। तो आप अगर श्योर नहीं है 21 के लिए और आप ये भी दिमाग में रखें कि 21 में अच्छा नहीं होगा तो 22 में अपेयर करेंगे, तो उन वैसे उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस 50-50 गेम में ना रह के डायरेक्ट 22 के लिए अभी से अपना स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए आप जितना 21
के बाद 22 के लिए, जो 21 के एग्जाम हो जाने के बाद जब आप 22 के लिए स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि इधर जितना लेट होगा उधर 22 का अगर नॉर्मल टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो उधर आपका टाइम फिर कम हो जाएगा। और फिर से आप क्या चाहोगे, आप फिर से पूरा चीज को अच्छा से तैयारी करना चाहेंगे तो आपको तैयारी करने का समय कम मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये मेरा एज अ टीचर सजेशन है, क्योंकि मेरे को लगता है कि किसी भी बच्चे को अगर एक सेशन पूरा डिवोट करना है तो बहुत कम भी समय उसको दो, है ना, तभी तो 9 to 10 months लगता ही है अगर आप फुल फ्लेज्ड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। लेकिन आप इधर जितना लेट करते जाएंगे उधर आपका गैप उतना कम होता जाएगा। और अगर लास्ट में ऐसा पता चला कि उधर आपको 5 to 6 months ही टाइम मिला, है ना, मेकिंग दैट एज्यूमिंग कि 22 में ऑन टाइम एग्जाम होगा, तो फिर 5-6 months में फिर आपका वो फुल कोर्स ना होके वो कंडेंस होके क्रैश कोर्स बन जाएगा, और फिर आप खाली स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव से भागेंगे, और फिर आपका जो जो चैप्टर्स, जो हर चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स आपका अच्छा नहीं है वो वहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ये आपको तय करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, ये आप सबसे बढ़िया जानते हैं, वो शायद मैं नहीं जानता हूँ या दूसरा कोई और टीचर नहीं जानता है, आप जानते हैं या आपको पढ़ाने वाले सर जानते होंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ उन बच्चों को जो 21 के एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से बहुत हद तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब कि कॉन्फिडेंस का परसेंटेज बहुत कम है, मतलब 21 में होगा ऐसा कम सोचते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 22 के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आप पूरा प्रोबेबिलिटी 22 में दे दो और अभी से 22 के लिए तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपको ऑन एन एवरेज लगभग साल भर का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक सुझाव है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, यू आर द बेस्ट जज, ये मैंने अपने एंड से ये सजेशन रखा। आपको अगर लगता है कि ये सजेशन सही है तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट माय सजेशन। बाकी आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक साल पूरा डिवोटेडली तैयारी करें तो आपको अभी से 22 के लिए शुरू कर देना पड़ेगा। हाँ, आप कहोगे कि मैं 21 का भी देना चाहता हूँ फॉर, तो हाँ ठीक है, आप दो, आपको रोका कोई नहीं है, लेकिन आप अभी से ही 22 के लिए स्टार्ट कर दो। ये डिलेमा में नहीं रहो कि पहले 21 को देख लेते हैं, 21 का एग्ज़ाम, उसके बाद 22 के लिए शुरू करेंगे, तो अगर आपको उसके बाद का बात दिमाग में है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका प्रिपरेशन के बेसिस पर ही शायद आपको ऐसे लग रहा है। तो अगर आप इस बार तैयार नहीं हैं तो आप क्यों इतना दिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा ये करके बर्बाद हुआ, आगे भी क्यों फिर 1-2 महीना फिर क्यों बर्बाद करना है। तो सीधा है कि ये 1-2 महीने को भी आप 22 के प्लानिंग में ही जोड़ लीजिए और वही उसी के लिए शुरू हो जाइए, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट, आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे बने रहने के लिए अगर सब्सक्राइब किए हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को सजेस्ट कीजिए इस चैनल में आने के लिए। इस चैनल में लगातार और बहुत कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड किया जा रहा है बेस्ड ऑन फिजिक्स, आगे चल के इसमें और भी सब्जेक्ट पर काम काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग अभी लाइव क्लासेस ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स टू IIT JEE लेवल, यानी 8 to 12 स्कूल करिकुलम विद दैट एंट्रेंस प्रिपरेशन, 8 to 10 का फाउंडेशन कोर्स टारगेटिंग फॉर IIT फाउंडेशन एंड नीट फाउंडेशन, 11-12 का बोर्ड प्लस JEE मेन, IIT JEE एंड नीट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, लाइव क्लास में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा IIT जोन ट्यूटोरियल, और फिर डेमो क्लास के लिए आप मैसेज लिख दीजिए कि आप डेमो क्लास चाहते हैं, आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सो वी विल गेट बैक टू यू। और इस चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए, योर सपोर्ट विल बी एन इंस्पिरेशन एंड विल गेट एनर्जी टू मूव अहेड मच मच मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, और एक्टिविटी और बढ़ा सकूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूं। गुड लक।